स्वागत है आपका गीता की रसोई में। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए व्रत वाली इडली लेके आई हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इसमें क्या क्या पड़ेगा। इसके लिए मैंने ये सामू के चावल लिए हैं, व्रत वाले जो चावल होते हैं वो लिए हैं। अगर आप एक कटोरी व्रत वाले चावल लेते हैं तो उसमें आधी कटोरी साबूदाना लेना है। साबुत इसको मैंने गीले कपड़े के साथ सबको पोंछ लिया है, चावल को भी और साबूदाने को भी। और इसको मैंने ऐसे पाउडर बना लिया है, तो ये अभी हमारा पाउडर बन के तैयार है। तो इसको हमने कोर्सली ग्राइंड करना है। जैसे सूजी होती है थोड़ी सी मोटी, वैसे ही उस कंसिस्टेंसी का हमने ये रखना है। पाउडर बना के रख लीजिए, नवरात्रों में तो ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो ये मैंने मिक्स पाउडर एक कटोरी ले लिया। ये हम लोग यहाँ डालेंगे और इसके साथ ही हम लोग ये दही ऐड करेंगे। ये भी एक सवा कप दही का है। अभी हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा और अच्छे से पूरी जुकीनी ली है इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। साथ में ये कड़ी पत्ता लिया है और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट लिया है। एक कोर्सली ग्राइंड किया है, ये भी मोटा मोटा पीसा है मैंने। और साथ ही साथ इसमें कैश्यू नट्स हैं और ये सेसमे सीड है साथ में। और साथ में ये जीरा है और ये सेंधा नमक है, साथ में थोड़ा ऑयल है। हम लोग इसका तड़का बनाएंगे और इडली में मिक्स करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो हम लोग इसमें ये जीरा ऐड करेंगे। जैसे जीरा क्रैकल होने लगे हम थोड़ा इसमें कैश्यू नट्स डाल देंगे। हमारा थोड़ा काजू भी भून जाए तो इसमें हम लोग ये कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे और गार्निश के लिए रख देंगे। साथ ही साथ थोड़ा इसमें सेसमी सीड्स ऐड कर देंगे। आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया तो आप अपने हिसाब से उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सेंधा सॉल्ट। और साथ ही साथ ये हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। और ये जो हमने जुकीनी को बारीक बारीक काट लिया वो भी इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही में ये टेम्परिंग भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसमें 1 टीस्पून सोडा बाइकाव ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से है इसको हम लोग माइक्रोवेव में बनाएंगे। इसको मैंने ऑलरेडी ब्रश ऑयल ब्रश कर लिया सारा। हम इसके ऊपर एक स्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे। अगर किसी के पास ये मोल्ड नहीं है माइक्रोवेव वाला तो आप इसको ढोकले की तरह भी बना सकते हैं या फिर आप छोटे छोटे ये कटोरियों में आप इनको इडली की तरह बना सकते हैं। ये छोटे छोटे कटोरियों में डालें और माइक्रोवेव में रख दें तो बड़ी अच्छे से ये इडली की शेप ले लेती है। कोई भी आप कटोरी, मैंने दोनों अलग अलग इसलिए लिए हैं कि कोई भी अगर जो माइक्रोसेफ आपकी डिश की जो भी माइक्रोसेफ आपकी कटोरियाँ हो बाउल्स हो वो आप ले सकते हैं और उनको माइक्रोवेव में रख दीजिए तो आपकी झटपट से इडली तैयार हो जाएगी। इसको रखने से पहले थोड़ा टैप कर लीजिए तो हम लोग मैं इसके ऊपर ही आप ये स्टैंड कोई भी आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो मैं एक साथ तब हम लोग इसको माइक्रोवेव में हम इसको माइक्रोवेव में रख देंगे।
4 मिनट के लिए हम लोग माइक्रो करेंगे। इडली स्टैंड नहीं है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भाई आप इसको कैरी की चटनी के साथ एंजॉय की। आई होप आप लोगों को ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी पसंद आई हो, तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।